देखो, यूएसए की ही तर्ज पे इंडिया ने भी अपना लिया, क्या अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बार बार कितनी बार इसको लिखेंगे। चलो, यूएसए ने कैसे अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ। इंडिया ने कैसे अपनाया बच्चों, जाहिर सी बात है इंडिया ने भी इसे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ अपनाया, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिना चेक्स एंड बैलेंस के इस डॉक्ट्रिन को हूबहू अपनाया ही नहीं जा सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री यूएसए में व्यापक होगी कि इंडिया में व्यापक होगी, जाहिर सी बात है यूएसए में व्यापक होगी। क्यों व्यापक होगी, क्योंकि यूएसए के पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार, और इंडिया के पास कौन सी गवर्नमेंट है, किस तरह की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां विधायिका व कार्यपालिका में शक्ति का बंटवारा या शक्ति का पृथक्करण थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आश्रित होती हैं, कोई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विधायिका व कार्यपालिका यानी लेजिस्लेटिव और व एक्सिक्यूटिव एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी राष्ट्रपति की जो एक तरह से कार्यपालिका बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है, उनके सदस्यों को कोई जरूरी नहीं है कि आप विधायिका की श्रेणी से ले, कांग्रेस की श्रेणी से ले, जबकि हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कहां से होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए, और अगर नहीं भी है तो 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, यानी लबोलुआब यही है कि आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा, विधायिका का सदस्य होना पड़ेगा, तो ही आप कार्यपालिका में बने रह पाएंगे। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सच्चाई है। तो कहेंगे ना कि यहां पर लेजिस्लेटिव और एक्सेक्यूटिव एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आप अमेरिका में पाते हैं, डोंट यू थिंक हियर लेजिस्लेटिव एंड एक्सेक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यही वजह है कि अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री भारत की तुलना में ज्यादा है। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहां कहां दिखता है, किस किस रूप में दिखता है, आखिर पता तो होना चाहिए। चलो ठीक है, हमारे संविधान में अमेरिका की तरह शक्ति पृथक्करण का स्वरूप नहीं है, लेकिन है तो सही, और आपको बताऊं केवल है ही नहीं, इसे संविधान की आधारभूत ढांचे से जोड़कर देखा जाता है, इसे संविधान का आधारभूत ढांचा माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को हटाया नहीं जा सकता, ये रहेगा ही रहेगा किसी न किसी रूप में। वो अलग बात है कि चेक्स एंड बैलेंस तो इसके साथ भी है, क्योंकि बिना चेक्स एंड बैलेंस का तो कोई भी संविधान इसे नहीं अपनाया है। ठीक है, देखिए जब आप आगे पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 चौथा भाग, तो बच्चों यहां पर आपको मालूम है भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, और डीपीएसपी के अंदर एक प्रावधान है जिसे अनुच्छेद 50 के माध्यम से वर्णित किया गया है, मेंशन किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 50? अनुच्छेद 50 ये कहता है कि देयर शैल बी अ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एक्सेक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण होगा। अब चूंकि अनुच्छेद 50 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान की बात करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, तो जाहिर सी बात है यहां जिस शक्ति पृथक्करण की बात हम लोग कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में, यानी हमारे यहां विधायिका व कार्यपालिका दोनों में शक्तियों का बंटवारा होगा, ये साफ साफ आर्टिकल 50 बताता है। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैंडेट यही शो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी मत यही शो करता है कि शक्ति पृथक्करण
होगा। आपको बताऊं इसी अवधारणा ई फॉर एक्सिक्यूटिव, जी जे फॉर जुडिशियरी, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका। कार्यपालिका न्यायपालिका। अब देखो आर्टिकल 50 में वर्णित इन्हीं प्रावधानों के मद्देनजर हमारे यहां वर्ष 1972 में सीआरपीसी एक्ट पारित किया गया, सीआरपीसी एक्ट 1972। समझ रहे मेरी बात? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखो लिखने से तो ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा, बट जब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या बोलेंगे? ये एक सामान्य ज्ञान की बात आपको बता दे रहा हूं, यहां मेरा मकसद लीगल टर्मिनोलॉजी बताना नहीं है, फिर भी आप जाने इसको, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध संहिता या दंड संहिता बोलते हैं इसको देवनागरी में, हिंदी में दंड संहिता। एनीवे आप इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं बोलेंगे बल्कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कहने का मतलब कि ईयर 1972 में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पारित किया गया और इसके तहत 72 से पहले आपको बताऊं कई मामलों में आप देखेंगे कि लोअर जुडिशियरी का जो एक तरह से दायित्व तो होता है उनका निर्वहन कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता था, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कई सारे न्यायिक निर्णय लेने के अधिकार हुआ करते थे, है ना, दांडिक निर्णय लेने के अधिकार होते थे। अब सिविल निर्णय के मामले में ये अभी भी इनका रोल है, बट दांडिक निर्णय के मामले में इनका कोई रोल नहीं है। ये 1972 के बाद ही संभव हो सका जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1972 आया, है ना, दंड संहिता अधिनियम 1972 आया। एनीवे जाहिर सी बात है कार्यपालिका से न्यायिक शक्तियां ले ली गई, कार्यपालिका से न्यायिक शक्तियां ले ली गई। अभी आप देखते होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 का प्रावधान है जो जुडिशियरी से पीसीएस जैसे क्वालिफाई करके आता है, पहले उसका रोल कौन प्ले करता था? डिस्ट्रिक्ट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑफिशियल प्ले करता था, एनीवे तो कार्यपालिका से न्यायिक शक्तियां का ले लिया जाना क्या दर्शाता है? शक्ति पृथक्करण दर्शाता है, संविधान में इसका प्रावधान है। तो कहने का मतलब कि हमारा संविधान इतना स्कोप देता है कि हां आपको शक्ति पृथक्करण दिखेगा लेकिन बेहद संतुलित रूप में, और संतुलित बनाने के लिए क्या किया गया है आपको मैंने बताया ही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को स्वीकारा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ये तो हर जगह मिलेगा आपको। एनीवे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है अगर इसका सही तरीके से आप मुआयना करें तो आप साफ साफ जान जाएंगे कि हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे की तरफ इशारा करता है, और नहीं भी जानेंगे तो अब जान जाइए। वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद के हवाले से, केस के हवाले से अपना निर्णय देते हुए यह साफ कर दिया कि भारतीय संविधान में निहित जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है वह संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है तथा इसे संविधान के उन आधार स्तंभों में से गिना जाना चाहिए जिस पर पूरा संवैधानिक ढांचा ही टिका हुआ है, यानी एक ऐसा मूल स्तंभ है हमारे संविधान का शक्ति पृथक्करण की अवधारणा जिस पर पूरे संविधान का ढांचा टिका हुआ है। कौन सी केस थी? कनादरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 1996। इस केस को याद रखेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते समय आप अगर इसका रेफरेंस देते हैं तो आपका आंसर अच्छा होगा, लॉजिकल लगेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों का जवाब देते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई रेफरेंस आता है और वो आप कर देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका उत्तर प्रमाणित हो जाता है, है? तो देखो कनादरन
वर्सेस तमिलनाडु राज्य वाद, केस को वाद कहते हैं, 1996। इस केस के माध्यम से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, कहां हमारे संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये किससे संबंधित है जी, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ बच्चों आधारभूत ढांचा, है ना। और सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा पिलर है, पिलर समझ रहे हैं, खंभा स्तंभ, यह ऐसा पिलर है जिस पर पूरा संवैधानिक ढांचा, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हैज बीन इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब खड़ा। तो कहने का मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा खंभा है जिस खंभे पर, एक ऐसा स्तंभ है जिस स्तंभ पर पूरा संवैधानिक ढांचा टिका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण की अवधारणा कितनी मजबूती से स्वीकारी गई है, कितना एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी अहमियत रखती है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, ये तो आपने देख लिया, अब तक हमने यही समझा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है क्या और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किस रूप में है, है ना। रेफरेंस भी मैंने दिया, आप आर्टिकल 50 को कोट कर सकते हैं, है ना, सीआरपीसी एक्ट 1972 को कोट कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं, कनादरन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के 1996, और इस जजमेंट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च अदालत ने आखिर क्या वर्डिक्ट अवार्ड किया, क्या कोट किया, उस कोट को आप मेंशन कर सकते हैं, इनके कथन को आप मेंशन कर सकते हैं। अब जो इसमें जो अगला पहलू है वो है कि शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के मद्देनजर भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान व ब्रिटानी संविधान यानी ब्रिटिश संविधान, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं शक्ति पृथक्करण के मद्देनजर। होलिस्टिक रूप से तो इस फेसेट को समाप्त होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों संविधानों की कंपैरेटिव स्टडी, बट अभी चूंकि आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि भारतीय संविधान में व्याप्त शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, अमेरिकी संविधान में व्याप्त शक्ति पृथक्करण की अवधारणा तथा ब्रिटानी संविधान में व्याप्त हूबहू यही अवधारणा, इन दोनों ही का मध्य मार्ग है। यानी जो भारतीय संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक तरह से मिडवे है, मिड पाथ है, किसका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई शक्ति पृथक्करण का और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई शक्ति पृथक्करण का। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल पर यूएस में है, मिडिल लेवल पर इंडिया में है और लो लेवल पर ब्रिटेन में है। वजह क्या है? इंडिया और यूएस में शक्ति पृथक्करण की डिग्री को लेकर जो गैप है, जो फर्क है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब समझना किसका है? तीनों को एक साथ, है ना, क्योंकि आपने अभी तक यही समझा ना कि इंडिया, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा वहां की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगी। इस लिहाज से आप देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण के स्वरूप में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के स्वरूप में फर्क आ गया दोनों में। लेकिन चलो, हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है तो भैया इंग्लैंड में भी तो संसदीय व्यवस्था है, फिर इंग्लैंड में इंडिया से कम क्यों है? यानी ऊपर किसका है? यूएसए में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री ज्यादा है, उससे कम कहां है? इंडिया में है, और इंडिया से भी कम कहां है? यूके में है। तभी तो इंडिया को क्या बोला जाता है? मिडवे, मिड पाथ। हमने मिडिल पाथ अपनाया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। यूएस में काफी उच्चतर डिग्री में है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यूके में हमसे भी नीचे। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इसके मद्देनजर हम लोग देख रहे थे, यूएस ऊपर, इंडिया उसके बीच नीचे, यूके सबसे नीचे।
चलिए अब देखते हैं एक पैटर्न के माध्यम से, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की जब भी बात होगी बच्चों, सरकार के अंगों के मध्य शक्तियों के विभाजन के सापेक्ष होगी। ठीक है, देखिए हम यहां लिखते हैं यूएसए, ठीक, यहां लिखते हैं इंडिया, एक साथ देखते चलिए, हम यहां लिखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, आप इसी को इंग्लैंड लिख दीजिए, ब्रिटेन लिख दीजिए। अब यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन के अलावा भी और जो छोटे छोटे द्वीप है वहां, वो सबको एक साथ यूनाइटेड कर दिया जाता है, तो यूके बोला जाता है, यूएसए, इंडिया एंड यूके। अब देखो यूएसए में भी गवर्नमेंट है, ठीक, इंडिया में भी गवर्नमेंट है, सरकार है, यूके में भी गवर्नमेंट है, ठीक। अब गवर्नमेंट जहां भी होगी इसके तीन ऑर्गन्स होंगे, कौन कौन होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। चलो इंडिया में भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यूके में भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब देखिए यूएसए में चूंकि आपको मालूम है कैसी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देखो बात अगर हम इंडिया और यूके की करें तो इन दोनों ही में कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदात्मक स्वरूप है इन दोनों में। चलो अध्यक्षीय सरकार और संसदीय सरकार में जो एक तरह से कह सकते हैं आप अमूल चूल फर्क है वो ये है, जो आप जानते आ रहे हैं कि अध्यक्षीय में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगी, शक्ति पृथक्करण यहां दोनों में होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आप देखेंगे बच्चों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बेहद पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बेहद पार्शियल सेपरेशन। अगेन क्योंकि यहां भी यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो अगेन आप क्या देखेंगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बेहद आंशिक विभाजन होगा, है ना, आंशिक, पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर। तो इन दो अंगों में हम देख रहे हैं पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर, आंशिक विभाजन, आंशिक वितरण, आंशिक पृथक्करण। यहां भी आप देख रहे हैं पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर यानी बहुत कम, बेहद अल्प लेकिन यहां क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर। क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर आपको यहां दिखेगा, ये आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात देखो जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी यानी इसका खूबसूरत एग्जांपल हमने यूएसए आपके सामने दिखाया भी है,
जहां भी आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखेगी, चलो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव चूंकि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लिहाजा इनमें साफ साफ शक्ति विभाजन दिख रहा है। आपको बताऊं, यहां आपको लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के मध्य भी शक्ति विभाजन दिखेगा, यहां आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के मध्य भी शक्ति विभाजन दिखेगा। आप खुद ही से महसूस करना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में तो साफ साफ शक्ति विभाजन है व्यापक स्तर पर, ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच भी शक्ति विभाजन दिखा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच भी शक्ति विभाजन दिखा। इंडिया जैसी व्यवस्था में यानी संसदीय व्यवस्था में क्या होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में नाम मात्र का शक्ति विभाजन, लेकिन अगेन देखो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में शक्ति विभाजन दिखेगा, बहुत व्यापक भले ना हो लेकिन दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में भी शक्ति विभाजन दिखेगा। तो देखो अब तक अगर हम अमेरिका और इंडिया की तुलना करें तो इस तुलनात्मक अध्ययन से आप इतना तो समझ गए होंगे ना कि अमेरिका में डिग्री हायर है, ज्यादा है इंडिया की तुलना में, इंडिया की तुलना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में लेजिस्लेटिव जुडिशियरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, यह तो अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में व्यापक क्या हो जाता है, यहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी है, हमारे यहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में नाम मात्र का ना के बराबर शक्ति पृथक्करण है। वजह क्या रही दोनों के पीछे? वजह यह रही कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनके यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यह हकीकत है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं होता, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया यूएस और इंडिया का। अब बच्चों बात आती है यूके का यानी ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, कि भाई इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण का क्या स्तर होगा। चलो इंग्लैंड में विधायिका व कार्यपालिका का स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं कि भाई विधायिका व कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था की खासियत होती है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यपालिका यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य किसकी श्रेणी से आएंगे, लेजिस्लेटिव की यानी विधायिका की यानी संसद के सदस्यों की श्रेणी से, भाई संसद में जो चुनकर आते हैं उन्हीं में से तो सरकार में शामिल होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हैं। चलो इंडिया और यूके में पहले स्तर पे हम दोनों समान हैं, यानी जहां तक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के शक्ति पृथक्करण की बात है जैसी हमारे यहां है वैसी ही आपको ब्रिटेन में भी दिखेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि ब्रिटेन में बच्चों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा संविधान है, अनरिटन है, इंडिया में कैसा संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ठीक, जहां लिखित संविधान होगा वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, यानी हमारे यहां क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य क्या है, सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका सबसे पावरफुल होगा, यही न्यायपालिका की सर्वोच्चता को दर्शाता है। और हम अपनी न्यायपालिका की सर्वोच्चता को किस नाम से जानते हैं, संविधान की सर्वोच्चता के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूके में न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि जहां अलिखित संविधान होगा, आपको मालूम है बहुत बढ़िया सी यह बात कि अलिखित संविधान वाले देश में सरकार के तीनों अंगों मुख्यतः विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विधायिका सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करती है, तो सर्वोच्च शक्तियां किसके पास निहित होगी, विधायिका के पास निहित होगी यानी पार्लियामेंट के पास यानी लेजिस्लेटिव के पास। तो देखो नतीजा क्या होता है कि कई दफा ब्रिटेन के अंदर ये जो जुडिशियरी है ना, आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो टॉप जुडिशियल पावर होता है यानी उच्चतर न्यायिक शक्तियां, वो किसी जुडिशियल बॉडी के पास नहीं होती, वास्तव में वो लेजिस्लेटिव बॉडी के पास होती है। ब्रिटेन का जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भाई है तो लेजिस्लेचर का पोर्शन, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उसकी पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही इंग्लैंड की सर्वोच्च अदालत की भूमिका निभाती है, यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो बताओ क्या आप यहां पर अगर विधायिका व कार्यपालिका में सुस्पष्ट विभाजन नहीं कर पाते तो जरा खुद ही बताइए, क्या आप विधायिका व न्यायपालिका के मध्य सुस्पष्ट विभाजन कर पाएंगे यहां ना?
जबकि भारत में कर पा रहे थे ना, देखिए विधायिका और न्यायपालिका, यहां आपने सुस्पष्ट विभाजन कर लिया, यहां सुस्पष्ट विभाजन नहीं कर रहे, तो देख रहे यही पर इसकी डिग्री कमजोर पड़ गई भारत की तुलना में। हां इतना तय है कि जिस तरीके से हमारे यहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन का स्वरूप है, कमोबेश इतना ही शक्ति विभाजन का स्वरूप आपको इंग्लैंड में भी दिख जाएगा, किसके बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बताओ अपनी नजरों से ही देखो कहां पर शक्ति विभाजन की डिग्री ज्यादा है। अरे भाई जहां विभाजन स्पष्ट रूप से हुआ है देखे होंगे मैं खड़ी लाइन लगाया हूं, और जहां एम्बिगुअस है पार्शियल है वहां डॉट डॉट वाली लाइन लगाया हूं। आप एक बार अपनी नजर मारो यहां देखो, खुद ही लग जाएगा कि अमेरिका के पास शक्ति विभाजन की संकल्पना ज्यादा व्यापक स्वरूप में अपनाई गई है, इंडिया के पास उससे कम लेकिन यूके से ज्यादा, ब्रिटेन से ज्यादा, और ब्रिटेन के पास हम तीनों में सबसे कम। यही कारण है कि कहा जाता है कि भारत व इंग्लैंड दोनों ही में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है, बावजूद इसके भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, शक्ति पृथक्करण की संकल्पना ब्रिटिश संविधान की शक्ति पृथक्करण की संकल्पना की तुलना में ज्यादा व्यापक स्तर में है। इसकी वजह क्या है? तो वजह में बच्चों यही बताएंगे कि हमारे पास लिखित संविधान है, लिखित संविधान है तो जाहिर सी बात है सरकार के तीनों अंगों क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में हमारे यहां न्यायपालिका शक्तिशाली है, इनके यहां न्यायपालिका बैकफुट पे है। हियर जुडिशियरी एंजॉयज लिमिटेड पावर, द सुप्रीम पावर यू नो is enjoyed by the legislative only. Means in the UK there exists the concept of legislative supremacy. It can also be called the parliamentary supremacy. Parliamentary supremacy is basically another name given to legislative supremacy. Okay, हमारे यहां judicial supremacy है, ठीक। तो वैसी स्थिति में चूंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी है लिहाजा हम लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में विभाजन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी है नहीं, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। नतीजा यह होता है कि जुडिशियरी लेजिस्लेटिव पर नकेल नहीं कर सकती, यहां तक कि जुडिशियरी के भी तमाम जो बड़े निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, लेजिस्लेटिव के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लेजिस्लेटिव डिसीजन होगा दैट वुड ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर शक्ति पृथक्करण की अवधारणा भारत की तुलना में कम है, है ना, हालांकि ब्रिटेन में भी है, और जहां भी है किसके साथ है, हमेशा ध्यान रखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ, जहां भी शक्ति पृथक्करण है चाहे यूएस हो, इंडिया हो, यूके हो, हर जगह मैं यहां लिख दे रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस आपको दिखेगा। तो अब मैं बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप शक्ति पृथक्करण की अवधारणा बखूबी समझ पाए होंगे, यहां से जो भी सवाल मैंने आपको दिया था आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने समझाने के दौरान उन सवालों की हमने फॉर्मेटिंग भी कर ली, फॉर्मेटिंग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। एक बार हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। हाँ यस, एक बार हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फटाफट राउंड 2 मिनट में सम अप कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग मूव करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस पे, ठीक है। पहली बात, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना बच्चों किसने दी थी, मोंटेस्क्यू ने। कहां का रहने वाला था, फ्रांस का। क्या था, एक दार्शनिक था, फिलोसफर था, ठीक। उसने कौन सी डॉक्ट्रिन दी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, सिंपल, सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन हो। क्यों विभाजन हो, ताकि कोई भी अंग दूसरे अंग की शक्तियों को एनक्रोच ना करे, उसका अधिग्रहण ना करे, उस पर अन्यत्र हस्तक्षेप ना करे। अगर मान लीजिए यह सब इसका अनुपालन हो, यानी शक्ति पृथक्करण की इस अवधारणा का अगर अनुपालन किया जाए तो क्या फायदा मिलने वाला है, दो फायदा गिनाया है मोंटेस्क्यू ने। कौन सा, व्यक्तियों के अधिकारों को हम सुरक्षित रख पाएंगे, यानी किसी के अधिकार की उपेक्षा नहीं होगी। दूसरा क्या फायदा गिनाया उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि सरकारें कभी निरंकुश नहीं होगी, राज्य निरंकुशता के राह पर नहीं बढ़ पाएगा, उस पर हम अंकुश लगा सकेंगे अगर ऐसा है तो, अच्छी बात थी। हालांकि ये पाया गया कि कोई भी एक तरह से कह सकते हैं डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन शक्ति पृथक्करण की इस अवधारणा को हूबहू जैसा मोंटेस्क्यू ने कहा उस रूप में नहीं अपना सकता, क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होंगी,
कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होगा, जो एक तरह से बैलेंस है सरकार के तीनों अंगों के मध्य, वह बैलेंस डिस्टर्ब होगा, संतुलन बिगड़ेगा। लिहाजा नया रास्ता निकाला गया कि चलो अपनाया तो जाए, लेकिन अपनाते समय इसे अवरुद्ध हुआ संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया जाए, सीधे सीधे ना अपनाया जाए। कहने का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ अपनाया जाए। क्लियर है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अमेरिकी संविधान 1787 का अमेरिका संविधान, अमेरिकी संविधान आप कह सकते हैं, मींस द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1787 वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू इनकॉर्पोरेट और इंडक्ट विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका है। विश्व का पहला संविधान कौन है? 1787 का अमेरिकी संविधान है, हालांकि चेक्स एंड बैलेंस के साथ अपनाया। एनीवे, ठीक ठाक स्तर पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को उसने अपनाया, है ना। ठीक ठाक स्तर का मतलब यह है कि चूंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कम से कम सरकार के जो दो अंग हैं, विधायिका व कार्यपालिका, इनमें तो साफ साफ शक्तियों का पृथक्करण आपको दिख जाएगा, क्योंकि विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कि जटिलतम रूप से जुड़े हों, वे बेसिकली एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एनीवे, अमेरिका की तर्ज पे हमने भी क्या अपनाई, अपने संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाई, और अगेन चेक्स एंड बैलेंस के साथ अपनाई, लेकिन जिस रूप में अमेरिका में अपनाया गया उस रूप में हम नहीं अपना सके। वजह, हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार की सरकार है, और जहां संसदीय प्रकार की सरकार होगी वहां सरकार के तीनों अंगों में मुख्यतः दो अंग, विधायिका व कार्यपालिका, इन दोनों के मध्य शक्ति पृथक्करण सुस्पष्ट रूप से किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों जटिलतम रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विधायिका व कार्यपालिका बड़े ही जटिल स्वरूप में एक दूसरे से जुड़ी होती है। हाँ, विधायिका व न्यायपालिका में पृथक्करण मुमकिन है, कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण मुमकिन है। तो इस तरह से हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा अपनाई गई। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर अनुच्छेद 50 देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 साफ साफ यह कहता है कि कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा न्यायिक शक्तियों का उपभोग नहीं होगा अब, और कहने का मतलब कि न्यायपालिका व कार्यपालिका में साफ साफ बंटवारा वहां दिख जाएगा। इसी की तर्ज पे 1972 का भारतीय दंड संहिता अधिनियम, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1972 पारित किया गया। एनीवे, इसी एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका से न्यायिक शक्तियां छीनी गई। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो 1996 की कन्नाधरण बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, तमिलनाडु राज्य मामला या तमिलनाडु राज्य केस 1996, यानी कन्नाधरण वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 1996, इसके हवाले से कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमारे संविधान में अपनाया गया है, यह एक बड़ी ही ग्लोरियस कंसेप्ट है, बड़ी ही ग्लोरियस अवधारणा है, और यह हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल हिस्सा है, और केवल इंटीग्रल ही नहीं, आप कह सकते हैं कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसका भाग है, और आप इन्हें संविधान के उन आधार स्तंभों में से गिन सकते हैं जिन पर पूरा संवैधानिक ढांचा टिका हुआ है, है ना। फिर हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सापेक्ष भी भारतीय संविधान में व्याप्त शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को देखी, और यह देखा कि अमेरिका से भले कम डिग्री है हमारे यहां शक्ति पृथक्करण की, लेकिन ब्रिटेन की तुलना में ज्यादा है। वजह, नो डाउट, हम दोनों के पास संसदीय व्यवस्था है, यानी हिंदुस्तान में भी और इंग्लैंड में भी, फिर भी हमारे यहां शक्ति पृथक्करण का जो डिग्री है इंग्लैंड की तुलना में व्यापक है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि हमारे यहां विधायिका की सर्वोच्चता नहीं है बल्कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। उनके यहां किसकी सर्वोच्चता है? विधायिका की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है। जहां संसद की सर्वोच्चता होगी वहां न्यायपालिका हमेशा सेकेंडरी रोल में होगी, और आमतौर पर यह अलिखित संविधान वाले देशों में होता है। जहां भी लिखित संविधान होगा अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होगा ही, न्यायालय प्राधिकार होगा ही, और न्यायालय प्राधिकार यह दर्शा देता है कि सरकार के तीनों अंगों में ज्यादा शक्तियां किसके द्वारा उपभोग की जाएगी? न्यायपालिका के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को समझा।